हेलो गाइस, वेलकम आपका गब्बर जेएससी चैनल में। आज मैं सभी के लिए आया हूँ हाउ टू अडॉप्ट ए मिलिट्री डॉग पार्ट टू। तो पार्ट टू में आपको ये बताऊंगा कि आप एफिडेविट कैसे लिखें, उसको पोस्ट कैसे करना है, उसके मोड्स कितने हैं, तो और इससे और भी मिलती हुई जानकारी है मैं आपको दूंगा। तो मैं पहले आपको बता दूँ कि मैं इसलिए लाया था ये पार्ट क्योंकि जो पहला पार्ट था उसमें बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही थी कि वो इस एफिडेविट को या उस लेटर को कैसे पोस्ट करें। तो मैंने फिर यह पार्ट बनाया है। अगर आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जिसने भी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, वो प्लीज़ देख लीजिएगा क्योंकि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको दूसरा पार्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो हमने वो ऊपर रिकमेंडेड कर दी है, ऊपर आ रही होगी आई बन के, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बताते हैं कि एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट एक ओथ होती है, एक प्रॉमिस होता है मिलिट्री की तरफ से, जो कि वो एक पेपर वर्क्स में लिखवा देती है आपसे। और इतना ही होता है एक एफिडेविट। अगर आपको एक फॉर्मेट चाहिए तो मैंने आपको एक सैंपल दिया है जो कि ये रहा। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्क्रीन शॉट लेके इसको जूम करके देख लें, और ये एक सिर्फ सैंपल है, आपको डिटो ये नहीं लिखना है, आपको थोड़ा एक आइडिया लेके ये सैंपल लेके देखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आप एफिडेविट किस के थ्रू दे सकते हैं, उसके मोड क्या हो सकते हैं। हाँ, तो आप अपना एफिडेविट तीन तरह से सबमिट करवा सकते हैं। पहला है ऑनलाइन, दूसरा है बाय पोस्ट, और तीसरा है हेल्प ऑफ रिलेटिव्स। तो आप ऑनलाइन ऐसे सबमिट करवा सकते हैं कि ट्विटर पे एक आर्मी कमांडर हैं रोहित अग्रवाल नाम से, उन्होंने ट्वीट करा था कि आप अपना एफिडेविट सबमिट करवा सकते हैं रंजीत कोलवात एक और कमांडर हैं उनको। हाँ, तो दूसरा पॉइंट है आप बाय पोस्ट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाके अपना एफिडेविट दे सकते हैं इस एड्रेस पर जो कि है कमांडेड आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट मेरठ 25001। हाँ, तो थर्ड पॉइंट है अगर आपका कोई रिलेटिव मेरठ में रहता है तो आप उससे एफिडेविट लिखवा के आप उनसे कह सकते हैं कि वो जाके पोस्ट कर दे उसी एड्रेस पे। हाँ, तो अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।